चंबा का सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल साच पास अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और पर्यटक भी यहाँ लगातार आते रहते हैं। लेकिन जिस तरह मॉनसून अपना कहर बरपा रहा है, उसे देखते हुए अब चुराह प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है और कहा कि अगर कोई साच पास घूमने जाता है तो वो केवल दिन के समय में ही घूमे, क्योंकि दोपहर के बाद मौसम लगातार खराब हो रहा है, जिसके चलते लैंडस्लाइड और अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ऐसे में अधिक समय तक साच पास पर रुकने की गलती ना करें। वहीं एसडीएम शशिपाल शर्मा का कहना है कि इन दिनों मॉनसून काफी तेजी से बरस रहा है, ऐसे में साच पास की तरफ जाने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। बरसात का मौसम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर जो है तो एडवाइजरी जारी होती हैं, उसके मद्देनज़र जो है तो यहाँ से गुजरने वाले साच पास की तरफ और उससे आगे गुजरने वाले टूरिस्ट को और आम नागरिकों को ये हिदायत है कि मौसम का विशेष ध्यान रखें और दिन के समय ही साच पास तक जाएं, तथा मौसम दोपहर के बाद कभी भी ख़राब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है तो वहाँ ना जाएं, क्योंकि नेटवर्क की भी समस्या रहती है। कोई अगर ऐसे मौसम ख़राब होता है और आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आते हैं तो वैसे में जो है तो थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि बारिशों में पहाड़ों पर जब बारिश ज़्यादा होती है तो भूस्खलन का भी खतरा रहता है, जिसमें कि कई जगह पर जो है तो सड़क पर शूटिंग स्टोन वगैरह आने की भी रिपोर्ट रहती है। तो इसलिए ख़राब मौसम में सभी लोगों से और ख़ास तौर पर टूरिस्ट से अनुरोध रहेगा कि मौसम का ध्यान रखें और उसके अनुसार ही अपना जो प्रोग्राम है वो बनाएं। फिलहाल एसडीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दोपहर के बाद साच पास का रुख ना करें, क्योंकि कई जगह लैंडस्लाइड्स की दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं अब देखना होगा कि क्या स्थानीय लोग और पर्यटक प्रशासन की अपील को ध्यान में रखते हैं या उसे अनदेखा कर देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।